प्रखंड के बासुकी तट स्थित ग्रामीण बैंक में बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 3 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग लगने के बाद थाने से आए दमकल कर्मियों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक काफी का नुकसान हो चुका था। बताया जाता है कि सोमवार 4 बजे के करीब स्थानीय लोग ने बैंक से धुआं निकलते देखा। इसी बीच बैंक में आग सायरन भी बजने लगा। लोगों ने आनन फानन में बैंक मैनेजर बिट्टू शर्मा को फोन पर इसकी सूचना दी। मैनेजर अपने घर से तुरंत बैंक पहुंचकर दरवाजा खोला, तब तक सब राख हो चुका था। थाने द्वारा दमकल मौके पर भेजकर आग बुझाया गया, लेकिन इस बीच आग से बैंक में रखा सामान, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, पंखा, कुर्सी, काउंटर सहित 3 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई है। अंदर में भी गेट मारो, खाली गैस है, वॉल है रखने दीवार वाला करते एक वो काउंटर पूरे चल एक काउंटर का पूरा राख पानी पानी धुआं दे रहा है यार। कहाँ धुआं क्या है भाई आप लोग का? अरे कैसे निकलिए ना भाई, जो कस्टमर निकलिए।